अभी 12 बजने वाला है, एक्चुअली 12 बज गई है ऑलरेडी, और मेरा गाड़ी का भी 12 बज चुकी है। एक्चुअली हम लोग आज करगिल के लिए निकलने वाले थे। सुबह सुबह उठ के गाड़ी का सब पैकिंग पैकिंग वगैरह कंप्लीट किए, एंड जैसे ही चलना शुरू किए देखे कि पीछे का जो टायर है वो पंचर हो चुकी थी। तो उसका बाद मैंने पास में जो भैया है वो भैया को बुलाया और वो टायर दिखाया, और टायर का जो ऊपर का जो बीट है ना, ये चक्का का जो बीट है वो फिर घिसा हुआ था, तो नया टायर चेंज किया। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं कारगिल के लिए, तो चलो चलते हैं। काफ़ी लेट हो चुकी है, हम लोग 10 बजे निकलने वाले थे लेकिन 12 बज चुके हैं, तो चलो चलते हैं। सर यही श्रीनगर का रास्ता है ना? श्रीनगर का रास्ता है ना? हाँ हाँ, थैंक यू। जैसे गाइस मैं आपको बता रहा था कि सुबह उठ के देख रहा हूँ कि बाइक पंचर हो गया है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये टायर कितना किलोमीटर चला है। यह बेसिकली 30 किलोमीटर का आसपास, सॉरी 10,000 किलोमीटर का आसपास चली है, और बोल सकते हो कि अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर्स। और 10,000 किलोमीटर चलने के बाद ही मेरा जो टायर है इसका जो ऊपर का बीट है ना, पूरा जो मिट्टी में लगती है पूरा, तो वो पूरा का पूरा घिस चुकी थी, मतलब ज़्यादा कुछ बची नहीं थी। लेकिन मैं कोलकाता से जब निकला था तब टायर एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में था, और यहाँ पे आते आते टायर का पूरा सीनरी ही चेंज हो गया, टायर का पूरा बीट ही ख़त्म हो गई। तो बात यह है बेसिकली ये टायर इतना जल्दी जाने का रीज़न ये है कि जो हम लोगों ने मनाली वाला रास्ता पकड़े थे दिल्ली से मनाली और मनाली से ले, तो वो रास्ता में काफ़ी सारी जगह ख़राब थी और पत्थर से बना हुआ रास्ता था, तो उसमें वो सब रास्ते में अगर आप ड्राइव करोगे तो जाहिर सी बात है कि चक्का का जो बीट है ना वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होती है। तो मुझे और भी बहुत दूर जाना है, काफ़ी लंबा राइड करना है और भी बाकी है अपना राइड, तो इसलिए मैं उतना हेडेक नहीं लेना चाह रहा था। शायद मैं भी और 1,000 या 2,000 किलोमीटर में चला सकता था उसी टायर से, लेकिन फिर भी मैं और ये उतना हेडेक नहीं लेना चाह रहा था कि और कोई पे कुछ दिक्कत हो, कोई पंचर हो और मैं फंस जाऊँ। तो इसी चक्कर में यही चीज़ बेसिकली ध्यान में रखते हुए मैं अपना टायर चेंज किया, और अपना पीछे का जो ब्रेक ये ब्रेक पैड था ना, डिस्क ब्रेक का, तो वो ब्रेक पैड भी घिस गया था जो मैं कोलकाता से एकदम ब्रांड न्यू लगा के लाया था। तो वो भी लगभग 6,000 किलोमीटर चलने के बाद वो भी मुझे आज चेंज करना पड़ा। वो और भी थोड़ा दिन चलता, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं यार आज ही कर रहा हूँ तो आज ही ये सब चेंज कर लूँ, ऐसे ही तो 230 रुपया दाम है वो ब्रेक पैड का। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे जो टायर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं चला रहा हूँ जब ना काफ़ी कॉन्फिडेंट आ रहा है, और जो टर्निंग वगैरह मैं कॉर्नरिंग कर रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और कॉन्फिडेंट आ रहा है मुझे कि हाँ कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उस टायर में ना, जो पुराना वाला टायर था उसमें जब मैं कॉर्नरिंग कर रहा था तो उस टाइम में मुझे कुछ दिक्कतें हो रही थी, दिक्कतें इन द सेंस कि जैसे ही मैं कॉर्नरिंग कर रहा था ना तो पीछे का चक्का थोड़ा सा हिल रहा था जैसे, मतलब तो उस टाइम में थोड़ा सा अपना बैलेंस बिगड़ रहा था, और मोटा मोटी 80-90 किलोमीटर पर आवर अगर मैं चलाता था उस टायर में तो पीछे का चक्का थोड़ा करके हिल रहा था। तो इस वजह से मैं सोचा कि चलो चेंज ही कर लेता हूँ। तो आफ्टर चेंज द टायर आई एम फीलिंग सो मच कॉन्फिडेंट ऑन ड्राइविंग, एंड काफ़ी मज़ा से ड्राइव कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अभी जो हम लोग जा रहे हैं वो बेसिकली हम लोग लेह से आज कारगिल तक जाएंगे, बेसिकली अपने को श्रीनगर तक जाना है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि आज आप लोग कारगिल तक ही जाने जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। अभी बजा है 12:46, एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से कारगिल, लेह से कारगिल है आपका लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, लेकिन हम चाह रहे थे कि हाँ थोड़ा सा साइट सीन करके करते हुए निकले, तो इसी चलते हम थोड़ा सा टाइम लिए अपने आपको और लेट भी करके निकाल ले, ज़्यादा लेट करके हम लोग निकल गए, यही लगभग 12 बजे को निकले जैसे आपको बताया पहले से।
और रास्ता में सुनने को मिला कि श्रीनगर का रास्ता बैन है बेसिकली। आज 2 तारीख है, 2 अगस्त 2019। तो सुनने को मिल रहा है कि श्रीनगर का जो रास्ता है, मतलब कारगिल का बाद जो रास्ता है वो बैन है, बंद है। कुछ आतंकवादी प्रॉब्लम हुआ था, कुछ बम वगैरह मिला है बेसिकली। इसके लिए अमरनाथ यात्रा जो है ना, तो अमरनाथ यात्रा चल रहा है तो उसमें कुछ दिक्कत हुआ, कुछ एक्सक्लूसिव वगैरह मिले तो इस वजह से रास्ता बंद कर दिया। तो हम लोग सोचे कि आज कारगिल में रुक जाए फिर, तो कारगिल तक का रास्ता ठीक है, सभी लोग बोल रहा है, तो कारगिल में हम लोग आज रुक जाए एंड देन हम कल पूरा न्यूज़ लेके, इंफॉर्मेशन लेके फिर हम श्रीनगर का तरफ रवाना होंगे। और श्रीनगर में हम लोग को काफ़ी सारी साइट सीन भी करनी है, तो वो सब साइट सीन भी करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, और उसके पहले हम लोग जाएंगे मैग्नेटिक हिल। तो यहाँ से मैग्नेटिक हिल लगभग 20 किलोमीटर्स का आसपास बचे हैं, तो हम मैग्नेटिक हिल जाएंगे, मैग्नेटिक हिल पहुँच के फिर हम अपना जो है आपको भी दिखाएंगे कि मैग्नेटिक हिल कैसा है, कैसे काम करता है ये, बेसिकली ये क्यों, मतलब हर एक चीज़ को ये करता है, वो क्यों करता है ये तो हमको नहीं मालूम, बट कैसे करता है वो हम आपको दिखाएंगे, दिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि क्या क्या मिलता है और क्या होता है और अपना एडवेंचर जर्नी कैसा होता है और अपना आज का दिन कैसा चलता है। तो चलो लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज NH1। आप रोड का कंडीशन देख पा रहे हो, कितना अच्छा क्वालिटी का रोड है। और ये देखो, ये जो पहाड़ है ना, ये बेसिकली है मैग्नेटिक हिल। ये देखो, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है मैग्नेटिक हिल। भैया ये मैग्नेटिक हिल है क्या? मैग्नेटिक हिल जो वहां पे पॉइंट है, वहां जाके फोटो खींच सकते हैं। कौन सा पॉइंट? वहाँ पे मैग्नेटिक हिल का बोर्ड लगाया हुआ है, ये वाला जो छोटा बोर्ड। हाँ जी हाँ जी, अच्छा। इधर ही गाड़ी आपको नजर नहीं आ रहा? आप वहाँ पे गाड़ी रखेगा, मतलब टू व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर रखेगा तो गाड़ी इस तरफ जाने लगेगा, इस तरफ। तो ये तो नीचा है, ये तो नीचा है, फोर व्हीलर जाएगा। तो ये तो नीचे का तरफ दिख रहा है ना, ये तो नीचा है इसलिए तो इधर, लेकिन ऊंचा दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे तो स्लोप नीचे ही। हाँ, तो गाड़ी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? इस तरफ जाएगा। तो ये तो ढलान है ना, ये तो नीचा है आपको लग रहा है, लेकिन बाकी के जो लोग को नहीं लग रहा। हमको लग रहा है ये ढलान है, आपको नहीं लग रहा ढलान है? क्योंकि स्लोप है, रोड ऐसे है, रोड ढलान है, ऑब्वियस बात है इधर जाएगा। चलो देखते हैं। अच्छा पीछे। तो नहीं, सब लोग जो बोलता है यही मैग्नेटिक हिल है और गाड़ी रखने से इधर जाता है। तो ना, अभी डाल दिया, डाल दिया नया, ये तो इधर पोर्शन बना हुआ है, वहाँ से ऐसे उल्टा था। अच्छा, वहाँ से गाड़ी खुद इधर आता है? हाँ, इधर तो अभी उल्टा लग रहा है पूरा। तो ये देखेंगे कैसे कि किधर जा रहा है क्या? अभी कहाँ देखा, अभी पता नहीं चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। तो मैग्नेट, तब गाड़ी इस तरफ खींच, तो इसका मतलब कि अभी मैग्नेटिक हिल एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, पानी फिर भी, तो ये जो सरफेस है ये तो नॉर्मल है ना, ये स्टोन है इसमें। यहाँ था ना पहले, बना हुआ था बॉक्स। अच्छा, कुछ तो पता चलना चाहिए ना, कुछ तो हो जा भाई। बॉल किसी का पास होगा? Yeah.
बताओ ये कैसे काम करता है? रोड में रखने पड़ता है गाड़ी, वो अपने आप चलता है। अपने आप चलता है? किधर चलेगा, इधर चलेगा कि इधर? नीचे चलेगा, ब्लैक माउंटेन वो है। अच्छा, कुछ है बॉल बॉल टाइप का देखने के लिए? अच्छा यार, देखने का लायक तो कोई चीज़ नहीं है यार कि किसी से ये प्रूव हो सके किधर जाता है। तो अभी ये जो रास्ता बनाया ना, रास्ते का वजह से रास्ता बनाया, जब रास्ता में वो वाला साइड नीचा है, लेकिन ये वाला साइड जो है ना ये थोड़ा सा ऊंचा है। आप दूर से देखो वो वाला नीचा है, वो ढलान है, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। लेकिन वो तो लिखा होगा इन्होंने ना, वो तो लिखा होगा ना उन्होंने। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किधर डलिएगा? अमन करो, अमन इधर करो, ले खाड़ी खड़ी करो। चलो देखते हैं थार कैसे काम करता है। किधर बोला? इसी जगह में लगने बोला। बैग जा रही है ना? जाएगी ना भाई। यही लो गाइस, तो हम लोग तो कारगिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली हमने रुके थे वो थोड़ा देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड में, देखने के लिए कि हाँ असल में ये काम करता है, कैसे काम करता है, नहीं करता है। लेकिन अपने को ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने को कुछ समझ में नहीं आया कि वो कैसे काम कर रहा है। और आदमी लोग बोल रहे हैं कि वो पीछे की तरफ ढकेल रहा है, लेकिन वो जो बात है, मेन जो फैक्ट है ना, वो रास्ता थोड़ा सा ऐसा है, तो ऑब्वियस बात है कि वो नीचे की तरफ आएगी। तो यही है सब कुछ।